तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में राकेश जी और गुरदीप जी के साथ हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल का फर्स्ट मॉड्यूल और आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग कंसेप्ट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में आपको पेस्ट स्पेशल पेस्ट फॉर्मूला और पिक्चर लुकअप वगैरह बताया, जिसमें आपने उसको सीखा और अपने काम में उसको यूटिलाइज किया। अब बात आती है फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की, कि क्या फॉर्मेटिंग ट्रिक्स है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस कुछ सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो YouTube पे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये टॉपिक वाली वीडियो जो है तो पूरी वीडियोज को देखेंगे तो भी आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। और आपको सिक्वेंसली वीडियो चाहिए पूरी की पूरी तो आप मेरे ऐप से पे जाके वीडियोज को देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्ले स्टोर एंड iOS दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, जैसे भी गुरुदीप जी और राकेश जी मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, इस तरह की लाइव क्लासेस आपको लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट iptindia.com पे डेमो क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। तो फॉर्मेटिंग में क्या कलर करना, बॉर्डर लगाना, ये चीज़ें हम बात कर रहे हैं ट्रिक्स की। फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी रिपोर्ट देखिए, आप टैब पे ही जाके टेम्पलेट्स को ही देखिए, ये तो टैबलेट आपने देखा हुआ है, इसमें फॉर्मूले वगैरह लगाया गया होगा, उस बात की चीज़ें सबसे पहले हमें नज़र क्या आती है। अब इसी रिपोर्ट को देख ले, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट को, इसमें कुछ किया होगा वो बाद में, लेकिन सबसे पहले नज़र क्या आती है, इसकी फॉर्मेटिंग, इसका डिज़ाइन। तो सेम चीज़ जो है हम बात करेंगे कि किसी भी डैशबोर्ड का जो मेन पार्ट होता है वो फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग एक आर्ट की तरह है, जैसे पेंटिंग और बाकी चीज़ें होती है उस तरह से है, वो आपको अपने एजिलिटी के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से उसको करना पड़ता है। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम आपको बता सकते हैं तो आपके काम आएंगे। चलिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे टेंथ लिखते हैं, यही चीज़ हमें मिस वर्ड में लिख के स्पेस मारेंगे तो टी एच ऊपर चला जाता है, पर एक्सेल में नहीं जाता है। एक्सेल में ले जाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक फॉर्मेट से, राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं या इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे कीजिए इसको सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट कीजिएगा एंड ओके कीजिएगा, ऊपर चलेगा। ऐसे मुझे 10 डिग्री करना है तो 10 लिखा, स्मॉल में ओ लिखा, डबल क्लिक करके ऊपर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल एंड सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर चला। ऐसे मुझे 10 स्क्वायर करना है तो 102 लिखा, 2 को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गया, सुपर स्क्रिप्ट। अब अभी यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ना ये वापस 102 हो जाए। ऐसा इसलिए कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जो है वो टेक्स्ट में कवर करता है न कि नंबर में, तो सिर्फ टेक्स्ट पे ही वर्क करता है, नंबर पे वर्क नहीं करता है। तो यहां पे आपको सिंगल कोड में 102, अब इस 102 को डबल क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये तो हम सीख गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट सर, अब मुझे सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि अब दो चीजें हैं कि अगर मैं 100 कर देता हूँ तो मैं अगर पूरे में माने पूरे कर देता हूँ, पूरे में कर देता हूँ तो क्या होगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके जब सुपर स्क्रिप्ट करोगे, सुपर स्क्रिप्ट जब करते हैं तो पूरी की पूरी सेल को ऊपर करेगा, मतलब जो सिलेक्टेड हो, चाहे वो सेल सिलेक्टेड हो या करेक्टर सिलेक्टेड हो, उस पे जाएगा। अब एक एक करेक्टर आपको हर के अंदर ओ लिख के एक एक ओ को सिलेक्ट करके देन सुपर स्क्रिप्ट लगाना होगा, ये प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक छलावा क्रिएट किया, हमने इसके बगल वाले सेल में हमने इसको ओ लिख दिया, नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ से लेफ्ट और अप कर दिया और फिर इसको छोटा कर दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। और इसको और बेटर दिखाने के लिए मैंने कॉलम को और छोटा किया,
और इसको सिलेक्ट किया दोनों कॉलम को, राइट क्लिक फॉर्मेट से, मैंने बॉर्डर पे आया, हमने ऊपर वाला बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर, बीच वाला बॉर्डर, दोनों तो साइड वाला लगाया। चलिए बार इस बॉर्डर को हमने नहीं लगाया एंड ओके, इसकी बैकग्राउंड कलर को मैंने व्हाइट कर दिया। अब बिल्कुल लग रहा है ना सर? तो कहने का मतलब है कि हमें जो है विजुलाइजेशन से मतलब होती है कितनी जल्दी और किस तरह की विजुलाइजेशन हम तैयार कर सकते। ओके अब इसमें एक चीज और हम बताते हैं, इसके लिए मुझे मैं एक रेफरेंस वर्ड बोलता हूं। बट सर एक्सेल में वैसा ऑप्शन है कि एक ही बार में डिग्री लगा दें सारे सेल्स? सर ऑप्शन होता तो मैं इतना लंबा तरीका क्यों बताता, एक बताया था सिंपल सा तरीका। हाँ बट ये वाला नहीं है, नहीं है ऐसा लंबा तो नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, लंबा नहीं है, इस समझने के लिए भी इजी है, बट एक्सेल में मुझे लगता है डबल नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार उसी पर्टिकुलर ओ को करो, ऐसा नहीं कर सकते, डबल क्लिक करके ही करना पड़ेगा। अच्छा अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक एरिया को मर्ज किया, राइट, मर्ज करने के बाद मुझे ये जैसे पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया यहाँ से या इंटरनेट से कहीं से भी कॉपी किया, अब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो पेस्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मर्ज सेल में कोई टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो आपको डबल क्लिक करके करना पड़ेगा। ओके ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत दिक्कत करता है, इसके रिलेटेड मुझे डेली एक दो कॉल आते हैं कि मर्ज सेल में कोई वर्ड पेस्ट नहीं होता, पेस्ट तो हो गया बट सही से दिख नहीं रहा, सबसे पहले इसको रैप करें, रैप करके इसको आप एक तरह से अलाइनमेंट कर लीजिए, मिडल कर लीजिए, ये आप कर लीजिए, राइट। यस अब इसमें कोई वर्ड गलत है, जैसे मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए ऑनलाइन वाला वर्ड या मान लीजिए एम्बेड कोड है ना, एम्बेड कोड जो है ये गलत है, राइट। हाँ तो हमने डबल क्लिक करके इस एम्बेड कोड को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गए और सबसे पहले इसकी कलर को कर दिया रेड। अब जो रेड किया है वो सिलेक्टेड कलर ही हो, सिलेक्टेड वर्ड ही होगा, पूरा का पूरा एंटायर पैराग्राफ नहीं होगा। और एक okay. आता है स्ट्राइक थ्रू, एक्सट्रैक्ट लगाने के बाद जब ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से। तो कोई अगर आपको पैराग्राफ लिख के भेज रहा है, आपको लग रहा है गलत है, तो उसको समझाने के लिए आप सिंपली डबल क्लिक, आप फोर्थ में बताओगे कि यार ये पहले वाले पैराग्राफ या तीसरे वाले पैराग्राफ के ये आपका जो वर्ड लिखा हुआ ना ये गलत है, मुझे कहाँ पर है, अच्छा इधर है कहाँ पर है, उससे अच्छा है कि उसको आप इस तरह से भेज दो ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड गलत है, राइट सर। अब वर्ड पे तो हमने कर लिया, क्या ये चीज हमारा नंबर्स पे अप्लाई होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर्स फिगर्स है, फिगर्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसमें बताना है अपने कंसर्न पर्सन को कि इसमें से कुछ कुछ गलत है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। देखिए मुझे एग्जैक्ट बता दें, अगर ये चीज प्रिंट आउट में होती तो हम क्या करते हैं? सीधे यहां से कट कर देते हैं ना सर, पेन लेते हैं और इस तरह से क्रॉस कर देते हैं क्या? हाँ लेकिन इसके पेन तो पेंट वाली बात, ये जो हमने अभी क्रॉस किया ये तो मेरा जूम का टॉपिक है, तो यहां से हुआ है जूम का टॉपिक, राइट। लेकिन आप लोग कैसे करेंगे इसको? आपने वो जो रेड क्रॉस वाला बताया था फॉर्मेट सेल के अंदर जाके, जी हाँ, दो लाइन क्रॉस करना, जी हाँ, फॉर्मेट सेल पे आइए, बॉर्डर 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 और यहाँ से क्रॉस, राइट। हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया, अब सही का निशान लगाना हो तो कैसे करेंगे? वापस बॉर्डर में आते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं और इसी को लेते हैं, ये ले लेते हैं, इस तरह से, राइट राइट ले रहे? हाँ ले रहे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं।
चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट वो में लिखो या आपको पूरा में लिखो या आपको सब में लिखो। अब इसमें बात होती है कि ये तो ये जो पार्ट है हम इस तरह के फॉर्मेटिंग कर लेकिन जस्ट विजुअल के लिए। अब इसके भी हाँ पे कोई फॉर्मूला या इसके भी हाँ पे कोई फिल्टर शॉर्टिंग नहीं लगा सकते तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे हम कैप्स में रखेंगे सॉरी यहाँ पे हम कैप्स में लिखेंगे पी और नीचे तक इसको सेलेक्ट करके नीचे तक आते हैं ड्रैग करते हैं। अब इसको जो है यहाँ हमारे पास होता है बाइंडिंग टू नाम का एक बाइंडिंग। बाइंडिंग टू क्या करता है बाइंडिंग टू क्योंकि पी ए फॉल्ट है ये क्या करता है कि आपके करेक्टर को एक अलग लुक देता है तो क्रॉस को इसने क्या कर दिया ये पी को क्या कर दिया इसने सही के निशान में और हम ओ लिखे थे किसको क्या कर दिया क्रॉस में ठीक है। तो अगर इस पे अभी क्या है कि ये दिख तो रहा है आपका ओ ए क्रॉस एंड सही का निशान बट एक्चुअल में पी है एक्चुअली क्या है पी है पी है। तो आप चाहते हैं कि ये जो पी इसके भी यहाँ पे फिल्टर लगाना तो पी को फिल्टर लगा ले सही गलत करना सही गलत के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये तो फॉन्ट है और फॉन्ट नॉट अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस वो पार्ट ऑफ द विंडोज होता है। अब किसी विंडोज में फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है ना सर अवेलेबल तो होता है कभी हो सकता है फॉन्ट अनइंस्टॉल कर दिया किसी ने डिलीट कर दिया किसी ने या वो वर्जन में वो ही नहीं हाँ हाँ विंग्स डिंग्स जरूरी नहीं कि हो हाँ। तो यहाँ पे हम एक काम और करते थे हम कैप्स में जे लिखते थे और इस जे के ऊपर अलाइनमेंट पे जाते थे और -45 डिग्री के एंगल पे चेंज करते थे ठीक है सर हाँ करेक्ट। अब क्रॉस देते थे हो जाता क्रॉस के एक सर पास है ही ना सर। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मैं अलाइनमेंट तो यूज किया क्या इसका यही इस्तेमाल है कोई और भी एक एग्जांपल और देता हूँ मैं इसका ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अटेंडेंस फॉर्मेट बना रहा हूँ मान लीजिए हमने रिपोर्ट बना लिया है और इसको हमने यहाँ से फिल्टर वगैरह कर दिया फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मुझे इसको एक पेज पे प्रिंट निकालना है पॉसिबिलिटी है सर चलिए देखते हैं। हम प्रिंट में आते हैं अब सबसे पहले तो ये यहाँ 7 तक ही दिख रहा है तो मैंने इसको एक पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर दिया ठीक है तो ये आपका 11 तक देगा। अब चलो मार्जिन ज़्यादा है तो नॉर्मल मार्जिन से हम नैरो मार्जिन कर देते हैं मार्जिन कम कर देते हैं फिर भी हमारा 12 तक आ रहा है क्या बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से प्रिंट स्केल कम करूँ पेज लेआउट में जाके 100% की जगह पे मैं इसको 50% करता हूँ तो 50% में भी हमारा जो है प्रिंट 27 तक ही दिखा रहा है लेकिन बहुत छोटा दिखा रहा है। अब बहुत ज़्यादा छोटा करने पे क्या होगा
विजुअल नहीं होगा ना, क्या फायदा? वो डॉट 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 दिखेगा, लेंस लगा रहा होगा देखने के लिए क्या? तो अभी हम डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा हेडिंग सिंपल है, डेटा तो नॉर्मल है क्या, छोटा है, तो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया और इस हेडिंग को हमने अलाइनमेंट में, जो हमारा अलाइनमेंट है यहाँ इसमें एक एंगल चेंज करने का, इसको हम रोटेट कर दिए 90 डिग्री के एंगल, फिर पूरे सेल को सीट को सिलेक्ट किया और इस पे हमने डबल क्लिक कर दिया, छोटा हो गया सर। छोटा हो गया। अब मैं प्रिंट स्केल को 100% कर देता हूँ, 50% से। अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जगह भी बच गई है काउंट वाउंट देने के लिए और अच्छी तरह से रीड भी हो रही है, हर चीज सही दिख रहा है ना। करेक्ट। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब उसका कुछ छोटे मोटे चीज है उसको देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक रैप टेक्स है, जैसे यहाँ पे सुजीत कुमार हमने लिखा, आगे जा रहा है यहाँ से रैप कर देंगे तो नीचे टूट के आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ से अगर मान लीजिए रैप अपने हिसाब से मुझे करना है तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, जहाँ से ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे टूट के वहीं से नीचे आएगा। तो रैप टेक्स जब हमने किया, या ऑटो फिट कर सकते हैं तो कॉलम बड़ा हो जाएगा और रैप टेक्स करेंगे तो रो बड़ा हो जाएगा। तो ना मुझे कॉलम बड़ा करना है ना मुझे रो बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ जितनी बड़ी साइज है मैं उसी में फिट हो जाए। तो फॉर्मेट सेल पे हमारे पास श्रिंक टू फिट होता है अलाइनमेंट में। श्रिंक टू फिट अगर करते हैं तो जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है उसी में फिट हो जाएगा, बड़ा कीजिएगा बड़ा बड़ा होगा, छोटा कीजिएगा छोटा हो जाएगा। तो बड़ा इसकी ओरिजिनल साइज होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 100 कर दिया, राइट। इसकी साइज अब मैं बड़ा करूंगा तो बड़ा होगा, छोटा करूंगा छोटा होगा, ठीक है। इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है मर्ज से। आपने एक एरिया सिलेक्ट किया और यहां से आपने मर्ज कर दिया, क्या हो गया, मर्ज हो गया, राइट। लेकिन इसी में मर्ज में एक होता है मर्ज एक क्रॉस, तो यहां से एक एक करके इस तरह से मर्ज करेंगे, मर्ज एक क्रॉस, ओके, इस तरह से, ठीक है। तो मर्ज एक क्रॉस का काम है, ठीक है सर। ठीक है सर। इसमें मर्ज का कोई और भी ऑप्शन है सर वहां पे था सर? तो अनमर्ज है, तो अनमर्ज हो गया आपका, मर्ज हो गया बस अलमर सेल, से दोनों में मर्ज होता है, मर्ज को बता ओके दिया, मर्ज ओके। एंड सेंटर का अच्छा मर्ज करके सेंटर कर देता है। हाँ नहीं समझ में आ गया, ये वाला रो वाला अगर एंट्री करना है तो ठीक है। हाँ इसका यूज करके पड़ता है सर, फॉर्म में बताते हैं तो। ओके। उसके बाद नंबर फॉर्मेट की बात करें, नंबर फॉर्मेट में कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ इसमें चीजें हैं जो बच्चे सीखना जरूरी है आपको, जैसे कि नंबर जनरल टाइप होता है, जिस टाइप में होता है नंबर में आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो थाउजेंड सेपरेटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव वैल्यू कैसा दिखे। करेंसी में आप आते हैं तो करेंसी में जस्ट आपको करेंसी का कोड यहाँ दे सकते हैं, तो करेंसी का सैम्पल दे दीजिए और बाकी यहाँ पे निगेटिव होता कैसा दिखे। अकाउंटिंग में जस्ट करेंसी का कोड दे सकते हैं, अकाउंटिंग का एक यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है उसमें जीरो है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जीरो थोड़ा सा अलग दिखे, मतलब कि डैश दिखे, ओके। तो अकाउंटिंग में जाके आप अगर नन कर देते हैं ना कंसेम्बल को, डेसिमल प्लेस रखना रखिए, हटाना हटा दीजिए एंड ओके, तो जहाँ ये आपका जीरो था वो डैश हो गया सर। बट ध्यान रखिएगा जस्ट विजुअल में ओरिजिनल जीरो ही है, आपको कोई फॉर्मूला फॉर्मेटिंग फिल्टर लगाना है वो जीरो भी नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, चाहे वो एक्सेल से हो चाहे वीवीए से, आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है, जस्ट विजुअलिटी को चेंज करता है, विजुअल को चेंज करता है। और फॉर्मूला आपका
विजुअल पे लगता है, नहीं लगता है, ओरिजिनल पे लगता है, क्लियर है? ठीक है सर। सर उसी में जैसे रेड कलर आ रहा है माइनस के लिए जो फॉर्मेट के, तो उसमें रेड कलर कैसे आएगा? माइनस माइनस वन है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये बोल रहा है कि अगर आपका नेगेटिव, यहाँ पहले देखिए यह क्या होगा, अगर आपका अगर पॉजिटिव हुआ, नंबर नेगेटिव हुआ तो माइनस का सिंबल दिखा देगा, जस्ट नेगेटिव नंबर पे, नंबर पे नंबर पे सेव है, दोनों सेव है, दोनों में कोई ओके ठीक है। अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो आपका माइनस का सिंबल विजिबल नहीं होगा, बट जो माइनस वाले होंगे उसकी टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगी। ओके और इसमें आपको जो माइनस दिखेगा इसमें दोनों सेम ही है, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, राइट? अब हाँ। यहाँ पे हमने माइनस में कोई फिगर, यहाँ पे माइनस में कोई फिगर डाला तो माइनस नहीं दिख रहा, बट कलर नहीं दिख रहा, रेड हो गया, बट एक्चुअल में माइनस है यहाँ पे, कैलकुलेशन वगैरह माइनस के हिसाब से ही होगा। ओके ठीक है। तो ऐसे सर मान लीजिए वन गो में करना है तो क्या मतलब एक एक बार में पूरा करना है जितना भी जितना सेलेक्ट कर लीजिए कर दीजिए, तो माइनस वाले को ही करेगा, प्लस को थोड़ी करेगा। हाँ नहीं माइनस वाले को, हाँ तो मैं पूरा सेलेक्ट कर दिया, मैं कहीं भी माइनस पे लिखूंगा रेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम अप्लाई करेंगे तो पहले वाले पे नहीं होगा, जो पहले से वैल्यू है उस पे भी अप्लाई होगा और जो आगे वैल्यू टाइप होगी उस पे भी अप्लाई होगा, जब तक कि फॉर्मेटिंग अप्लाई है, फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देंगे तभी रिमूव होगा। ओके ठीक है, हां समझ गए, आगे बढ़े। हां बिल्कुल। अब इसमें अगली अगली जो इसमें आता है हमारा, तो अकाउंटिंग में समझ गए डेट। अब डेट जो आपने टाइप किया है उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए यहां से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? और ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से, देखिए इंडिया के हिसाब से एक बॉन्ड फॉर्म है, ठीक है आपको? अब यही पे मैं जो डिफॉल्ट यूएसए होता है, इंग्लिश यूएसए होता है, यूनाइटेड स्टेट, अब इसको इसमें इस तरह का दिख रहा है, दिख रहा है सर? उसके अलावा यहाँ हिंदी है, तो जो जैसा आपको फॉर्मेट, जिस कंट्री के टाइप का फॉर्मेट चाहिए वो कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, बाय डिफॉल्ट यूएसए ही होता है, समझे? उसके बाद आपका डेट कैसा दिखे वो सेलेक्ट कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि आज की डेट डाले, कुछ इस तरह से दिख रही है, राइट? ओके। फिर मैंने इस फॉर्मेट पे डेट पे गया और मैंने कि नहीं मुझे जो दिखे यहाँ से, ये तो इंडियन फॉर्मेट है, मैं चाहता हूँ इंडियन फॉर्मेट नहीं अमेरिकन फॉर्मेट दिखे, तो इंग्लिश यूएसए को सिलेक्ट किया। ओके। पहले डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, बट मेरा इंडिया सिलेक्ट इसलिए है क्योंकि जब मैंने इंस्टॉल किया था तो रीजन में इंडिया सिलेक्ट कर लिया। ओके ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अभी सर, सर एक एक्सेल में अभी मान लीजिए ये डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, अभी न्यू एक्सेल कर देंगे ब्लैंक न्यू, तो क्या यही फॉर्मेट आएगा? नहीं, आपका जो डिफॉल्ट होगा वो आएगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ डेट फॉर्मेट में। ओके। तो एक अभी सीट पे सिलेक्ट है इस तरह से आएगा, लेकिन नया एक्सेल में जो आपका डिफॉल्ट होगा वो आएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे कि आप संडे लिखते हैं और ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आता है, पूजा लिखते हैं तो सब नाम आ जाता है, राइट? तो वह हमने एक तरह से फिक्स कर दिया, नया एक्सेल भी खोलेंगे, पूजा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो वो एडिट कस्टम में कर दिया था, राइट? तो ऐसे मान लीजिए डेट हमको सेट करना है कि 20 सितंबर ऐसे ही लिख किया है, तो आपको नहीं 20 सितंबर इस तरह उसको डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज करना, आपको कंट्रोल पैनल के सेटिंग में जाकर चेंज करना पड़ेगा आपको सर। ओके ओके। वो एक्सेल का पार्ट नहीं है, जो आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट, जो आप डेट, जो डेट यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है वो डेट आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट। ओके ठीक है, ठीक है चलो। तो डेट के साथ टाइप भी आपका सेम है कि आपको क्राइम में कौन सा फॉर्मेट चाहिए और कौन से कंट्री का फॉर्मेट चाहिए, सिलेक्ट कर सकते। परसेंटेज तो नॉर्मल है, ये बताने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, सिंबल लगा देता है। परसेंटेज में सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने मुझे बता दीजिए, मान लीजिए 1.10 लिखते हैं तो आपने बताया था कि वो एक्चुअली 10%, वो कैसे लॉजिक काम करता है एक्सेल में? बताता हूँ, जैसे आपने 100 लिखा ना सर, हाँ, तो
जैसे परसेंटेज का सिंबल आप अप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर जाएगा। 100% को यही, हाँ चक्कर यही पड़ जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 100% है तो आप टाइप करते समय ही परसेंट का सिंबल लगा दें ओके तो आपका 100% ही आएगा। अगर आपने अगर बाद में परसेंट लगाना है तो फिर आपको इसको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो आप इसको मान लीजिए कि मुझे करना है 10%, टेन तो दो परसेंट तरीका है। एक तो मैं 0.10 लिखूं 100 से डिवाइड करके, या फिर मैं यहाँ पे 100 डिवाइड बाई सॉरी 10 10 डिवाइड बाई 100 कर दूँ, मतलब समझे? ऐसा ऐसा इसलिए क्यों होता है सर, जिससे आपने बताया कि होता है थाउजेंड क्या है, हंड्रेड जैसे इंटू हंड्रेड हो जाता है। होता है क्या है, जैसे कि एक्सेल जो है रीड करता है 1 इक्वल टू 100%, इसके बैकग्राउंड में सेट किया हुआ है, समझ गए? क्योंकि कैलकुलेशन का, जैसे मान लीजिए ना कि 10% हमने लिखा हुआ, राइट? अब इस पे अगर मान लीजिए 500 का 10% मुझे निकालना है तो मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 नॉर्मल होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना पड़ता। करना तो इसकी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए इसने ऐसा किया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 लेके आप परसेंट का सिंबल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड बाय 100 कर देता है। भैया 50% दिख रहा है ना, अब जैसे मैं इसको जनरल करूंगा ना, ये 0.50 आएगा। ओके। अभी जैसे 0.1 लिखा हुआ है एल में, तो वो नंबर हुआ कि परसेंटेज हुआ? देखिए एक्सेल में हर चीज नंबर स्टोर होता है, हम परसेंटेज पे क्लिक कर दिए तो परसेंट का सैंपल दे दिया इसने, ओके लेकिन एक्चुअल में जो है वो क्या हुआ, एक्चुअल कहाँ दिखेगा आपको, जनरल फॉर्मेट पे। इसको जनरल जनरल दिखेगा ना, फॉर्मेट में। ये एक्चुअल से हुआ है इसका। ओके ओके क्या कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 0.10 से ही होगा ना, इसका मतलब 10% हो गया। समझ गए? तो परसेंट का समझ गया। सिंबल लगते ही डिवाइड बाय 100 कर देता है टाइप करते समय, बाद में लगाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना शुरू करता है। तो ओके जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 100 लिख दिया और इस पे परसेंटेज कर दिया, राइट, हाँ तो हो गया 1000%, 10000% दिख रहा है ना, क्योंकि इसने विजिबिलिटी में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, बट एक्चुअल में 100 ही है। और किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका 10 गुना ज्यादा आएगा ना। आपको 100% के लिए 1 से 1 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट 500 का अगर 100% आपको निकालना है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1 तब तो 500 आएगा, और 500 ये यही मल्टीप्लाई। चीज, हाँ बिल्कुल यही चीज सर। मैथ्स में ये वाला एक्सेल का मैथ्स अलग है, और इसमें फॉलो मैथ्स, अगर मैथ्स यहाँ का पे नहीं फॉर्मूला लगाते हैं। सुनिए, यहाँ पे क्या है ना सर, यहाँ पे इसने कैलकुलेशन को सिंपलाइज किया हुआ है। आप समझो ना, ये चीजें नहीं होती तो फिर हर बार कैलकुलेशन में डिवाइड बाय 100 करना पड़ता, हर जगह करना पड़ता ना, बिल्कुल 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 तो उसको बचाने के लिए इसने ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया। करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। अब यहाँ पे टाइप परसेंटेज हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 दिया, राइट, तो 2.5 शो हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में, जैसे कि वन यहाँ एक हाफ हाफ लेवल सेलेक्ट कर दिया तो दिखाता है 1.2 दिख रहा है सर, होता है ना, आपने कभी देखा होगा कि इस तरह से लिखते हुए 2 1/2 आधा ढाई हुआ ना सर, ढाई हुआ। तो सेम चीज है, ओके ठीक है? तो इसका अलग अलग लेवल है, यहाँ फ्रैक्शन में टू जाइएगा, अलग फ्रैक्शन अलग अलग लेवल है। ओके 2x4 कर देंगे तो आपका आधा ही दिखाएगा, लेकिन 2x4 दिखाएगा, देखिए 2 का 2/4 ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसमें आगे हम बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास आता है टाइम, और इस पे साइंटिफिक भी खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट, टेक्स्ट इसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लिख रहा है, लिख रहा है ना सर, मुझे मान लीजिए चेक नंबर लिखना है, चेक नंबर लिखना है, बट चेक नंबर में कई सारे चेक नंबर 0 लगा होता है, आपने देखा होगा, तो 0 एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट आपको 0 डाल के देना है ताकि प्रिंट आउट वगैरह निकालना है चेक के जमा करने में, तो यहाँ आपको सिंगल कोट लगा के 0 0 लिखना पड़ेगा। सिंगल कोट लगाते क्या होता है, टेक्स्ट हो जाता है।
मुझे पूरे कॉलम में अगर टेक्स्ट ही लिखने हैं, चेक नंबर ही लिखने हैं, तो हर बार सिंगल कोट लगाने से अच्छा है। अच्छा है कि आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करें और यहाँ पे टेक्स्ट में करें। इससे क्या होगा कि अब आपको सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, अब जो भी टाइप करेंगे वो आपका टेक्स्ट होगा। ओके ठीक है। ओके अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई तो हो जाएगा बट परफॉर्म नहीं करेगा। ओके ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब कोई चेक नंबर आपको भेजेगा और जीरो नहीं लगा देंगे। अब इसमें आपको आगे जीरो लगाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करके इसका जो कस्टम है इस कस्टम के बारे में, और यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 6 वाला, क्योंकि 6 डिजिट मेंटेन करना है ना 6। तो एक कस्टम क्या करेगा कि इसके अंदर 6 डिजिट मेंटेन कर देगा, जितना डिजिट कम होगा उतना डिजिट आगे वो जीरो लगा देगा। ओके अब कुछ लोगों ने बोला सर पीछे जीरो नहीं लगाया जाए, क्या लगता है पीछे जीरो लगाने का सही रहेगा यहाँ पे? पीछे जीरो लगाने से तो भाई इसका वैल्यू ही बदल जाएगी ना सर। अगर मैंने यहाँ पे करेक्ट। 0001 लिखा तो 1 ही है ना, लेकिन इसी में अगर मैंने कर दिया 100 तो क्या हो जाएगा? तो ये तो जीरो हमेशा आगे नथिंग होता है बट पीछे उसका मैंने चेंज हुआ रहता है, ऐसा कहावत है। 0 बनना है तो बनो लेकिन पीछे रहो आगे नहीं। अगर आगे हो तुम 0 हो, तुम आगे हो तो तुम नथिंग हो, लेकिन जब पीछे हो तो तुम हर चीज का जितने पीछे जाओगे उतना वैल्यू चेंज करोगे। मतलब 0 बनना है तो आगे लगो, यही ना। हाँ नहीं, 0 बनना है तो हमेशा पीछे रहो। अगर तुम 0 हो तुम पीछे रहो, मतलब ये समझे? ओके अगर तुम आपको कुछ नहीं आता है तो हमेशा पीछे रह के सीखो। करेक्ट। हमारे सर बोलते थे जैसे कि क्या होता था ना कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनको बोलने से पहले हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, तो वही बोले कि अगर तुम 0 हो तो तुम पीछे रहो, तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब कि तुम बात तो देखोगे समझ जाओगे। मतलब कि बोल ऐसा उनका कहने का मतलब था कि अगर तुम क्लास में हो, अगर तुमको पता है कि ये चीज़ नहीं आता है तो तुम सबसे लास्ट में बोलो, सबसे लास्ट में बोलोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे गलत और सही का डिफरेंस रहेगा कि हाँ उस लड़के ने गलत बोला था, उसने सही बोला था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, सारे एनालिसिस करके तुम एक परफेक्ट आंसर दोगे। समझे कि नहीं बात को? बिल्कुल। हमारे शिव शंकर सिंह थे वो समझाते थे, आप अगर तुमको पता है तुम परफेक्ट हो तो तुम आगे बोलो आगे रहो, अगर तुम 0 हो परफेक्ट नहीं हो तो तुम सबसे पीछे रहो, क्योंकि तुम्हें पीछे रहोगे तो तुम्हें बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, फिर उस आइडियाज के एनालिसिस करके फिर एक सही और सटीक आइडिया तुम दोगे। चलिए तो ये तो सर ज्ञान की बातें थी, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप जब आते हैं कस्टम फॉर्मेट पे, राइट? तो कस्टम फॉर्मेट जो है इसमें बहुत सारे इस तरह के कोड्स हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि इसको हम कल करें, तब तक आप बाकी सीओ की फॉर्मेटिंग करें, क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे तो बाकी सीओ पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपका एक्सेल ही नहीं बीवीएम आपको तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। कस्टम में जी तो ठीक। कल हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग।